आप चले जाओ मधुबा जी में, मधुबन है उस मधुबन में जाकर के जमुना जी का स्नान करो और भगवान का खूब भजन करो। तत्तात दक्ष भद्रम ते यामुनायास्ततम सुचि। ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करना प्रारंभ कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, बड़ी समझने की बात है, तपस्या कैसे करनी चाहिए ये ध्रुव जी महाराज से हमें सीखना पड़ेगा। भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। तीन रात्रि के बाद चौथे दिन ध्रुव जी महाराज कैथा और बेर खा करके रहते हैं। पहले महीने भजन करने में और एक महीना भजन किया। अच्छा, संतों ने प्रश्न किया भगवान श्री सुखदेव जी से कि क्या कंदमूल फल नहीं थे, स्वादिष्ट फल नहीं थे जंगल में जो ध्रुव जी महाराज ने कैथा और बेर खा करके भजन को प्रारंभ किया। महाराज, कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी महाराज की स्तुति अति अनिवार्य होती है। हमारे यजमान भी पूजा करते, सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा। ध्रुव जी महाराज ने विचार किया, मैं भजन करने जा रहा हूँ, कम से कम गणेश जी का स्तवन तो कर लूं, पर समय कम है, इसलिए गणेश जी को अधिक प्रिय है क्या। कपित्थ जंबु फल चारु भक्षणम गजाननम भूत गणादि सेवितम। कपित्थ जंबु फल चारु भक्षणम, गणेश जी महाराज को कैथा और बेर, कैथा और जामुन अत्यधिक प्रिय है। इस कारण से पहले महीने के भजन में श्री ध्रुव जी महाराज ने कैथे से प्रारंभ किया। दूसरा महीना आया, अब तो छह दिन के अंतराल में जंगल में गिरे हुए तृण और पत्तों को खा करके रहते हैं। तृतीयम चानयम मासम नवमे हनी। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, नौ नौ दिन के बाद में महाराज अब भक्ष केवल जल पी करके भगवान का भजन करते हैं। चतुर्थ महीना प्रारंभ हुआ, बारह बारह दिन के अंतराल में मात्र वायु का आहार लेकर के भजन कर रहे हैं। पांचवा महीना प्रारंभ हुआ, महाराज अपनी प्राण वायु को श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की समष्टि वायु से जोड़ दिया और महाराज खड़े होकर के भजन करने लगे। जैसे ही ध्रुव जी महाराज की प्राण वायु भगवान की प्राण वायु से लगी है, सारे संसार की प्राण वायु बंद हो गई, श्वास लेना दुर्लभ हो गया, हाहाकार मच गया, देवताओं की श्वास रुक गई। देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास में लेकर के गए हैं, भगवान हम नहीं जान रहे हैं कि हमारी प्राण वायु को किसने रोका है। भगवान ने कहा, देवताओं, हमारा प्राण प्यारा नन्हा सा प्यारा सा भक्त मेरा भजन कर रहा है, इस कारण से ही आज तुम्हारी प्राण वायु रुकी हुई है। तो भगवान जा करके आप उसके ऊपर कृपा करिए, उसको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, देवताओं गलत बात बोल गए हो, ऐसे जो वीतराग मेरे भक्त हैं, इन भक्तों को मैं दर्शन देने नहीं जाता हूँ, बल्कि मधोर वनम भृत्य दिदृक्षया गतः, ऐसे भक्तों का तो मैं स्वयं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने प्रकट हो गए और ध्रुव जी हैं कि आंख ही नहीं खोल रहे,
क्योंकि भगवान की दिव्य झांकी उनके हृदय में स्फुटित है, उसी का ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने तिरोहितम सहसैवो पलक्ष्य, जब उस झांकी को तिरोहित किया तब छटपटा करके ध्रुव जी ने नेत्र खोला तो वही झांकी सामने खड़ी है। शंख चक्र अंबुज गदा धारण किए ललाम, हे वृंदावन वासी तुम्हें बारंबार। ध्रुव जी महाराज चरणों में लेट गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ध्रुव जी ने विचार किया कि गुरु जी ने मंत्र दे दिया और मैया ने कहा कि जाओ भजन करो, परंतु किसी ने ये नहीं कहा, ये नहीं बताया कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तब क्या कहना है। ध्रुव जी के मन को भाव को भगवान समझ गए और भगवान ने अपने हाथ में लिए हुए शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श कराया और ध्रुव जी महाराज की जो जन्म जन्म की महाराज सोई हुई बाणी थी वो आज जाग गई, समस्त वेद और वेदांत कंठस्थ हो गए, बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्तखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। हे भगवान, मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले आप ही हैं, अंतःकरण में आप ही मेरे विद्यमान हैं, इसलिए भगवान आपको मेरा प्रणाम है। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि हे ध्रुव जी, तुम्हें क्या चाहिए, कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, भगवान अब आपको पाने के बाद में कुछ मांगने की इच्छा तो रह ही नहीं गई, और अगर आप देना ही कुछ चाहते हैं तो ये दोनों हाथ उठा करके मेरे सर पर रख दीजिए। मेरे सर पर लिखता भगवान, वीडियो बनाते रहिएगा। अपने दोनों हाथ रे, देना है तो दीजिए जन्म दाता, देना है तो दीजिए जन्म दाता, देना है तो दीजिए जन्म दाता। Thank you.